नमस्ते गाइस, नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है ओए, मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दाफाश। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस फुल HD वीकेंड कवार में। और वीकेंड कवार आकाश भाई के साथ, सलमान खान के साथ तो आपने देखा होगा कल, पर आज करेंगे वीकेंड कवार आकाश भाई के साथ और बात करेंगे कौन से वो मुद्दे हैं जो सलमान भाई ने उठाए और हमारी उस पर क्या प्रतिक्रिया है। जरा बात करते हैं, रिव्यू करते हैं डे 6 वीकेंड कवार सैटरडे एपिसोड को। चले तो ये सबसे पहले जो मुद्दा था वो डिस्कस हुआ, घर का विलेन कौन है। तो सबने यूनानिमसली ऑलमोस्ट मेजोरिटी के साथ सबा खान का नाम लिया और ये तो देखिए बोलते आ रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा हमारे रिव्यूज में। रोलर ये ठीक बोला कि इनका मुद्दा बिल्कुल ठीक है, बट उनको ये नहीं समझ में आया बिकॉज वो घर में नहीं है कि सबा और सोमी का जो तरीका है बात करने का वो कितना खराब है। तो आई बिलीव वहां ये थोड़ा सा गैप रह गया। सबा खान ऑफ कोर्स यू नो शी हैड टू बी टर्म्ड एज अ विलेन। आगे आप पावर मैट्रिक्स देखेंगे गाइस भाई का स्पेशल सेगमेंट है इस वीकेंड का वार में, तो वो आप देखेंगे। उसमें सबा खान और सोमी खान को टैग दिया हमने जो कि दर्शाता कि क्यों सबा खान स्पेशली घर का विलेन बनी। और यू नो जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया जब दीपिका से सलमान भाई ने पूछा तो उन्होंने बोला भाई बहुत रूड हो जाती हैं, तो उन्होंने अपने डिफेंस में बोला सबा ने कि भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं डिप्लोमैट नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती। तो जो दीपिका है उन्होंने क्लैरिफाई किया भाई इट्स नॉट अबाउट डिप्लोमेसी, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उसकी अलग जगह है, बट ये बहुत रूड हो जाती है। हमने बहुत बार बोला है गाइस यू नो अपने भी रिव्यू में, बहुत ज्यादा ब्लंट है, बहुत ज्यादा रूड है, एक तरीका होता है बात करने का। मुद्दे अच्छे उठाए उन्होंने, मुद्दा जो सबा खान ने उठाया था घर की सफाई का, घर के काम का, कि कैप्टन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बड़ा अच्छा था, बट रूडली अगर कोई भी चीज कही जाए तो खराब होती है जैसा हमने बोला था। सबा खान वॉज राइटफुली इनसाइड द कट करा और रोई। पहली बार उनको पता चला कि भाई जब आपके ऊपर आती है तो कैसा लगता है, तो दैट वाज मुद्दा नंबर 1 गाइस। तो मुद्दा नंबर 2 क्या था, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस मुद्दा नंबर 2 था ब्रिंगिंग का। तो ये ब्रिंगिंग का वर्ड इतना बड़ा मुद्दा बन जाए और सलमान भाई ने बोला कि भाई माता पिता तक चली जाती है बात, वो इन्वॉल्व हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा भाई बिग बॉस सीजन 11 में जो हो रहा था, बिग बॉस सीजन 12 में स्पेशली यू नो हमें लग रहा है क्रिएटिव टीम ने कॉन्ट्रैक्ट करा है सब कंटेस्टेंट्स के साथ। सलमान भाई को भी बोला भाई वी हैव टू कीप दिस यू नो कंप्लीट कंटेस्टेंट लॉट इन चेक, और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा अपब्रिंगिंग के वर्ड। और देखिए जब एक इंसान बहुत रूडली बात करता है, एक इंसान अपना बिहेवियर ढंग से नहीं दर्शाता है, इंसान बदतमीजी करता है, तो इट्स नेचुरल कि यू नो आप बोलते हैं कि भाई जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, जिस तरह से आप बड़े हुए, जिस तरह से आपको एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला, यू नो वो बहुत ठीक नहीं है। एंड यू नो हम लोग जब कभी इमोशनल में भी आकर कोई अब्यूज करते हैं, कोई बोलते हैं BCMC, at times we don't mean, we are not intending the actual literal meaning of it. हमारा इमोशन होता है, ऐसे अपब्रिंगिंग वर्ड यूज कॉन्टेक्स्चुअल किया यहाँ सरीसन ने, तो आई बिलीव बिकार में वहां उनको बोला सलमान भाई ने, बट जैसे सलमान भाई ने बोला कि कलर्स वालों को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो सलमान खान वॉन्ट्स टू मे बी कीप एवरीथिंग इन चेक, पर सरीसन को उस पर बहुत गुस्सा आया, बहुत उनकी ईगो हर्ट हो गई और यू नो एकदम वो फीडबैक आई थिंक रिसेप्टिव नहीं है बहुत फीडबैक के लिए, तो बाथरूम में जाकर रोने लगे और वहां करणवीर ने जाके जो कि अच्छा लगा, करणवीर ने जाके उनको संभाला और लेकर आया वापस, फिर सलमान खान ने उनको मनाया, तो वो सेगमेंट भी ठीक ठाक था। बट एज आई सेड गाइस यू नो हमने तो बोला ही अपब्रिंगिंग के ऊपर हमारा जो स्टैंड है वो सेम है, तो यू नो ये बात तो तय है कि जो सबा और सोमी है दोनों, चाहे जो श्रीसंत ने अपब्रिंगिंग वाला कमेंट करा वो यू नो हमें तो उसमें कुछ गलत नहीं लगा, बाहर जो ये दिखा रही है सबा सोमी हमें तो उससे उनकी अपब्रिंगिंग ही पता चल रही है, और देखिए जैसा आप बिहेव करते हो उससे आपकी अपब्रिंगिंग ही पता चलती है, और अगर ऐसा बोलिए तो क्या गलत कहा कहीं पर। आई थिंक हम नहीं बिलीव करते कि अपब्रिंगिंग इज अ वेरी बैड वर्ड, थोड़ा बहुत यू नो अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसको अपनी जगह दिखानी जरूरी हो जाती है, यहाँ कोई अब्यूज नहीं था, तो दैट वॉज इट द सेकेंड मुद्दा। अब थर्ड मुद्दे की बात करते हैं, थर्ड मुद्दा जो था अगेन यू नो इट वॉज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ कोर्स, सारे मुद्दे यहाँ आप देखेंगे वीकेंड के बाद सैटरडे एपिसोड में ऑलमोस्ट सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे। जो थर्ड मुद्दा था वो ये था कि टास्क क्यों कैंसिल हुआ, जो बीबी कॉन्फ्रेंस टास्क था जहां हिना खान आए, जहां हितेन तेजवानी आए, शिल्पा शिंदे आए, करण पटेल आए, वो कैंसिल हो गया और दो दो से जोड़ी और सिंगल्स का कॉम्पिटिशन चल रहा था। जो लास्ट था वो था श्री संत के पास कमान थी सिंगल्स की और शिव और सौरभ के पास की कमान जोड़ी के लिए, और दोनों पार्टीज ने अपने हथियार गिर दिए। तो इस पे सलमान खान ने कई लोगों से पूछा भाई क्या चक्कर है, तो सब लोगों को भली बात ही पता था कि श्री संत के लिए दीपिका ने बहुत ब्लंटली और बहुत अच्छे ढंग से बोला कि भाई श्री संत ने गिव अप कर दिया एंड वी वर ऑल शॉक। सलमान भाई ने बोला देखिए इट वाज अ टीम एफर्ट, तो यू कुड हैव गॉट इन्वॉल्व, और आप श्री संत की साइड से बोल सकते थे, बट उन्होंने बोला कि हम बहुत शॉक हो गए थे जब उन्होंने एक तरह से यू नो मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए साथ में। पर गाइस बिल्कुल सलमान भाई ने बिल्कुल सही लताड़ा शिव और सौरभ को, भाई आपको क्या, आपके पास तो इतना भरपूर मौका था, आपने क्यों अपने हथियार गिर दिए। तो गाइस हमें लगता है कि जो सौरभ है, जैसे हमने अपने रिव्यू में भी कहा था, सौरभ
बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें इतना अच्छा ना बन जाए कि भाई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। तो सौरभ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, सौरभ ने शिव को बोला था कि भाई हमें तो ऐसे ही करना है, हमें दूसरे को देख के चलना है, हम अपने से कुछ ब्लेम नहीं करेंगे। तो बट सलमान भाई ने वहां छोड़ दिया, एडिट में नहीं दिखाया। आई बिलीव इसमें सौरभ को थोड़ी और पढ़नी चाहिए थी और थोड़ा आड़े हाथ देना चाहिए था सलमान भाई को, पर छूट गए सौरभ। पर फिर हुआ मुद्दा नंबर चार की बात। तो गाइस मुद्दा नंबर चार जो था उसमें सीधा सीधा सलमान भाई ने सेलेब्स को बोला भाई आप डल लग रहे हैं। और ये गाइस अगेन यू नो आई हैव बीन सेइंग दिस, मैंने ट्वीट भी किया, इंस्टा पे पोस्ट भी किया। हमारा सवाल सेलेब्स से बस इतना ही है गाइस, आई जस्ट वांट टू आस्क द सेलेब्स, क्या आपके लिए जीने मरने का नहीं है? मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं कि भाई कॉमनर्स के लिए जीने मरने का सवाल है, आपके लिए क्यों नहीं है? आप इतने बड़े शो में हैं, क्या मतलब आप टीवी एक्टर्स हैं तो आपका जो चांस है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉमनर्स के लिए है? तो ये आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। आई बिलीव यू नो आप अपने आप पे थोड़ा शर्म करिए, अगर आपको थोड़ी रिस्पेक्ट आनी चाहिए, अगर कॉमनर्स इतना कर रहे हैं तो आपको उससे भी दुगना करना चाहिए। और बिग बॉस सीजन 11 और 12 में यही फर्क है। कई लोग पूछ रहे हैं कि बिग बॉस सीजन 12 11 की तरह क्यों नहीं है, तो जो 11 के जो सेलेब्स थे ना वो कॉमनर्स से ज्यादा निछावर करते थे, अपनी इमेज की तरफ बिल्कुल परवाह नहीं करी उन्होंने। चाहे विकास गुप्ता थे, चाहे शिल्पा शिंदे थे, चाहे प्रियंक था, चाहे बिना थी, चाहे हीरा खान थी। एक जो सलमान भाई चूक गए जो बात बोलना वो ये थी कि जो सेलेब्स हैं उनको ये भी वर्ड निकला था क्लास का, कि भाई मेरी क्लास नहीं, जो करमवीर बोहरा बड़ी स्मार्टली उसको यू नो आधा ज्यादा कर दिया। जब करमवीर बोहरा बोला था कि ये मेरी क्लास नहीं है, तो उससे भी यही चीज दर्शाती कि भाई कॉमनर्स कर रहे हैं मेहनत तो उनकी क्लास है, वो किसी भी लेवल तक गिरे, जबकि ऐसा कोई लेवल नहीं गिरा। पर करमवीर बोहरा ने जब ये क्लास वाली बात बोली तो उससे भी साफ ये पता चलता है कि बहुत सिक्योर तरह से खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी इमेज कॉन्शियस हैं सारे सेलिब्रिटीज। और वही सलमान भाई ने क्लैरिफाई किया भाई ऐसे नहीं चलेगा। और गाइस उसके बाद जो मुद्दा डिस्कस हुआ, आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम था जो श्री संत और शिव की डिस्कशन, दैट वाज द पांचवा मुद्दा जो सलमान भाई ने उठाया। और यू नो श्री संत ने अपनी बताई, अपना स्टैंड दिया कि भाई मैंने मेरे इंटेंशनली बोला था, इट वॉज एन इमोशनल एक्सप्रेशन, जो हमें भी लगता है इट वॉज एन इमोशनल एक्सप्रेशन। शिव थोड़ा ज्यादा ओवर हो गए, पर शिव बोले जा रहे थे आई बिलीव वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, तो सलमान भाई भी थोड़े इरिटेट हो रहे थे। और बाद सलमान भाई ने उनको जोक भी मारा कि भाई इंग्लिश में बोलेंगे या कैसे बोलेंगे कोई, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर है शिव पर। That was, I believe, waste of time. उस discussion में कुछ था नहीं, it was more about Shiv trying to still persist upon कि भाई नहीं नहीं इस मुद्दे को निकालो और श्री संत को और मारो भी रोया और रुलाओ, तो सलमान मैंने उसको इग्नोर करना सही समझा। तो अब चलते हैं बात करते हैं मुद्दे मुद्दा नंबर छह की। तो गाइस मुद्दा नंबर छह हमारे को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, बहुत अच्छा हुआ सलमान भाई ने मुद्दा उठाया, बिकॉज हम बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं यू नो हम रिव्यू में बहुत ज्यादा खुद हीटेड हो गए थे, बहुत ज्यादा खुद एग्रेसिव हो गया था, क्योंकि रोमिल की जैसा आप देख सकते हैं पहले देख लीजिए जो दीपक ने बहुत ही अच्छा काम किया। पर वहां जो सबा खान और सुमी खान है और जो रोमिल हैं वो इतने ज्यादा उन्होंने बेवकूफी करी, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो रोमिल हैं थोड़ा ओवर हो गए हैं, अपनी औकात से बाहर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप सिंगल्स की तरफ सिंगल्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पर आप सिंगल्स का यू नो एक इंप्रेशन जमाने के लिए करणवीर बोहरा पे या श्री संत पे इंप्रेशन जमाने के लिए अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज नहीं करनी, उनके हाथों से फूल छीन रहे हैं, मतलब आपको जोड़ी को जिताना चाहिए और आप उनके हाथों से फूल छील रहे हैं। एक बार आ गए हाथ, बिग बॉस ने बोल दिया भाई आप तो जिनके पास ज्यादा फूल हैं वही जीतेंगे, तब भी रोमिल क्या है एंड तक लगे रहेगी भाई अपना इंप्रेशन जमाने में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो जो सलमान भाई ने सवाल पूछा रोमिल से, भाई आप तो अपनी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे और ऐसा तो नहीं है कि भाई आप सेलेब्स दुश्मन बन जाए आप इसलिए कर रहे थे जैसा हमने भी बोला था। और रोमिल ने बोला नहीं मैं केबी के बहुत क्लोज हूँ, श्रीसंत के क्लोज हूँ, जो आई थिंक बिल्कुल फॉल्स था। रोमिल अपने कार का डिफेंस दे रहे थे, आई बिलीव सच बात यही थी कि वो दुश्मन नहीं बनाना चाहते, सेलेब्स के साथ साथ मिलकर खेलना चाहते थे। उनको नहीं क्लियर हुआ इस वक्त कि भी सिंगल्स वर्सेस जोड़ी है। और सबा खान सिस्टर्स को भी इस पर कमेंट करना चाहिए, आई थिंक ऑलरेडी उन पर बहुत ज्यादा गाज गिर चुकी थी, सलमान भाई ने रियली ज्यादा नहीं बोला सोमी और सबा को इस बारे में। पर सोमी और सबा हमें लगता है कि बहुत बच के निकल गए इस वीकेंड का वहां से समहाउ, बड़ा फनी था बट बच के निकल गए, क्योंकि इस चीज में भी सबा और सोमी का भी उतना ही रोल था जितना रोमिल का था। दोनों ही जो अगर चाहे वो कृति और रोशनी कैप्टन बने या ये जो राजा रानी वाला टास्क था थोड़ा सा दूर दूर से डिस्टेंस बनाए हुए थे उन्होंने, जबकि जोड़ी को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए थी जोड़ियों को और इसमें और सिंगल्स को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए सिंगल्स को। और सलमान मैंने बोला भी सिंगल्स थोड़ा सा तब भी साथ में खेल रहे हैं, बट जोड़ी हैं जो बिल्कुल खेल रही हैं। और रोमिल को ये भी समझ में आया होगा इसके बाद जो करणवीर बोहरा बोल रहे हैं, करणवीर बोहरा ये थे जिनको जिनके सामने जिनसे
एडवाइस ले रहे हैं। जो कॉलर तो वीक आए गाइस, यू नो उन्होंने बहुत सही क्वेश्चन पूछा था इस बार में। हमने वीडियो भी किया कि कैसे आप एपिफिस कॉलर ऑफ द वीक बन जाते हैं, बन सकते हैं। आप आई बटन देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसेस की, मेक श्योर क्या चीजें आपको मेक श्योर करनी, कौन सा क्वेश्चन आप नहीं पूछे, जैसे फिल्टर आउट हो जाए कौन सा क्वेश्चन पूछे तो वो जरूर देखेगा। पर कमिंग बैक टू यू नो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो जोड़ी वर्सेस सिंगल, और जो कॉलर ऑफ द वीक ने पूछा भाई आप जोड़ियां जो हैं एक गलती कर रही हैं, जोड़ियां सिंगल्स की एडवाइस दे रही हैं स्पेशली करणवीर बोरा की, और उनको शायद नहीं पता कि जो करणवीर बोरा है चाहे उनको एडवाइस देते फिर हैं जोड़ी को, बट ये जोड़ी वर्सेस सिंगल है। और ये बखूबी दिखा जब करणवीर बोरा ने अनूप जलोटा को बोला कि भैया आप दीपिका का ख्याल रखिए, और अनूप जसलीन भी जोड़ी होते हुए अनूप उनकी बातों में आए, और अनूप ने पहले से यू नो इस तरह से थोड़ा सा इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है इंसान जब एक बंद कमरे में स्टोर रूम में करणवीर बोरा ने बड़ी स्मार्टली बोला। तो करणवीर बोरा बड़ी अच्छी गेम खेल रहे हैं और आप देखेंगे वो कहाँ स्टैंड होते हैं हमारी पावर मैट्रिक्स में। तो गाइज आई बिलीव रोमिल और सब जोड़ी को उसके बाद समझ में आ गया, बाद में देखा सेगमेंट के बाद की वो आपस में बात कर रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे भाई हमें बॉन्डिंग तो करनी है सेलेक्स के साथ, जहाँ टास्क की बात आया जहाँ और सारे सेगमेंट्स की बात आया चाहे कैप्टेंसी या चाहे इविक्शन चाहे नॉमिनेशन, हमें जोड़ी को प्रेफरेंस देनी चाहिए जो कि अल्टीमेटली क्लियर हुआ है, पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए था। तो हो गया मुद्दा नंबर 6 और 7 गाइज, 6 यू नो जो रोमिल को उन्होंने पूछा टास्क के लिए भाई आपने टास्क यू नो ऑलमोस्ट हरवा देते वापस आप जब दीपक और निर्मल भागे। साथ में यू नो जो मुद्दा नंबर 7 था वो यही था कि भाई जो केबी की बातें मान रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जोड़ीज वर्सेस सिंगल्स है, आपको शायद ये थीम समझ नहीं आ रहा। और मुद्दा नंबर 8 गाइज उसी से मिलता जुलता ये था कि भाई जो अनूप जसलीन ने किया, तो अनूप कहीं ना कहीं सब दिख रहा है, इट्स वेरी वेरी एपेरेंट कि जो अनूप है वो पहले से डिसाइड कर चुके थे। और दीपक ठाकुर को थोड़ी इसमें प्रेज मिलनी चाहिए थी, आई बिलीव शुरू में जो सलमान भाई ने उनका एक सेगमेंट निकाला उनसे गाना वाला गवाया, बट आई बिलीव इसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। दीपक बहुत वोकली यू नो बहुत ऑनेस्टली और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दीपक हैं यहाँ जो अपनी बात कर रहे हैं, खान सिस्टर्स नहीं है। पर दीपक ने तब भी यू नो अपनी बात से पीछे नहीं हटे, उन्होंने बिल्कुल अपना डिफेंस में बताया कि भाई ये तो फैक्ट है और मैं दोगला नहीं हूँ। और वही एक बात गाइज हमें बहुत अच्छी लगी, हमें लगा कि ये ही बंदा है जो थोड़ा डिफरेंट है, जितने भी सीजन में और लोग आते हैं वो दोगले होते हैं पर ये जो है यू नो डरते नहीं है, छोटे कद काठी के हैं, लैंग्वेज क्लियर नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, पर आई बिलीव अपनी बात करने से नहीं डरते और वो बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी है। दीपक ने बार बार बोला कि जो अनूप है उन्होंने प्रेफरेंस करी, परफॉर्मेंस नहीं देखी, और ये साफ क्लियर था। और अनूप ने हर बार बोला कि भाई मैं तो दीपिका बनना चाहता हूँ। और एक और बात आई सामने जो दीपक ने फिर से उठाई और जो हमने भी देखा टीवी पे कि अनूप ने बोला था कि भाई सिंगल से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, दो लड़कियां होंगी तो उनसे कंफ्यूजन होगी, और वो वैसे भी आई बिलीव ये बात भी नहीं उठी कहीं ना कहीं, आई थिंक उठा सकते सलमान भाई जो बार बार वो बोल रहे थे बेबी डॉल रोशनी में बने तो बेबी डॉल है उनसे क्या होगा। तो बाकी ये 8 मुद्दे गाइस डिस्कस हुए और आई बिलीव बहुत बहुत ज्यादा अच्छा निचोड़ के वीकेंड का वार हम कहेंगे कि पूरा जो एक घंटा और 1.5 घंटे का टाइम होता है उसमें बहुत अच्छे ढंग से 8 मुद्दे क्लैरिफाई हुए जो बहुत जरूरी थे। आई बिलीव अब डेफिनेटली ये जो लेवल है पहले हफ्ते में बहुत और बढ़ेगा, जो मोमेंटम इनको मिला स्पेशली एडवाइस के साथ सलमान भाई की, ये थोड़ा सा और करेक्ट जाएंगे। और जोड़ी वर्सेस सिंगल जैसे ही होता जाएगा, अभी जोड़ी वर्सेस सिंगल्स ढंग से आ नहीं रहा है उसकी वजह से कंटेंट इतना मिल नहीं रहा है, अब जोड़ी वर्सेस सिंगल्स जब होगा तो कंटेंट और मिलेगा। और आप देख सकते हैं जो आउटरो में वरुण धवन वाला टास्क है जो संडे को दिखाया जाएगा उसमें डेफिनेटली ये जोड़ी वर्सेस सिंगल में अच्छी खासी टू टू मैन और लड़ाई बड़ाई हो जाएगी, और वही तो कलर्स टीम चाहती है जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो सलमान भाई ने कमेंट भी मारा भाई अब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर टीम्स को अच्छा नहीं लग रहा, कलर वाले खुश नहीं होंगे, तो एक तरह से मैसेज पास भी कर दिया अभी ज्यादा टाइम क्रॉस मत करना बट थोड़ा बहुत करो नहीं तो तुम्हारे को जो लेकर आया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के तुम्हारा अन्नदाता वो खुश नहीं है। तो यू नो अगर कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है, तो सलमान भाई ने दबी जबान में ये भी बोल दिया कि भाई इतना भी डर मत लगो और कुछ करो करके तो जुड़े रहिए, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बट जाने से पहले गए दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जिनके बारे में बात करेंगे, पावर मैट्रिक्स और लीडर बोर्ड। तो दीप आकाश भाई का वार मान लीजिए, वीकेंड का वार विद आकाश भाई का स्पेशल सेगमेंट है दोनों, तो हम पूरे हफ्ते के हिसाब से और जो डिस्कशन हुई जो 8 मंथ डिस्कस हुई उसके बाद हमने लीडर बोर्ड तैयार किया, हम देखते हैं कि कहाँ नंबर वन, कौन नंबर वन है, कौन नंबर 10 है, कौन नंबर लास्ट है, और जोड़ियों को एक नंबर दिया है बेसिकली, जोड़ियों को एक साथ रखा है और सिंगल्स को एक साथ रखा है और पावर मैट्रिक्स है। तो आप ये देखिए और आप बताइए आपको क्या लगता है हमारी पोजीशंस ठीक है या नहीं।